हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए अपना इंडोर प्लांट्स का एक मिनी जंगल लेकर के आई हूँ। एक छोटा सा मैंने मिनी जंगल बनाया हुआ है, देखिएगा। ये है डिफेनबेचिया, इसकी पत्ते देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, लीव्स कितनी प्यारी है इसकी। से कलर देखेगा, कलर कितना ब्राइट है इसका, बहुत सुंदर लगता है। इसे आप इंडोर रख सकते हैं। ये देखिए, ये एक मटकी है जिसे मैंने कलर करके इसमें एक प्लांट लगाया। ये मेरे पास बेकार पड़ी हुई थी और इसमें देखिए ये प्लांट कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। इस तरह आप भी लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे प्लांटर्स लेकर आए, आप ऐसी चीजों का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए स्नेक प्लांट, जो मैंने प्लास्टिक की बॉटल काट करके उसी में लगाया हुआ है और अच्छे सी ग्रोथ है इसकी, ये देखिएगा। ये है मनी प्लांट, जो मैंने हनी की बॉटल में लगाया है और ये भी देखिए अच्छे से चल रहा है। इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा है। ये मेरा एक प्लांटर है, बहुत खूबसूरत लगा मुझे तो मैंने ले लिया। ये मनी प्लांट मैंने अभी लगाया है, इसमें न्यू शूट्स निकली हैं, देखिए नई पत्तियां निकली हैं। ये अभी इसकी ग्रोथ शुरू हो रही है। एक ये छोटा सा प्लांट है, खूबसूरत सा है। ये स्पैरेगस और ये कोलियस है, ये भी देखिए मैंने लगाया हुआ है प्लास्टिक की बॉटल में, जो सैंड में लगा हुआ है। ये मेरा एक हैंडमेड प्लांटर है जो मैंने सीमेंट से बनाया था। और ये देखिएगा, इस पर एक और स्नेक प्लांट वेरीगेटेड स्पैरेगस। ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं फ्रेंड्स, जिन्हें आप इंडोर रख सकते हैं, इन्हें आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। ये एयर को तो प्योरीफाई करते ही हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये है जीजी प्लांट, इसे भी आप इंडोर रख सकते हैं। ये देखिए मनी प्लांट एक और छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इसकी लीव्स का कलर देखिए कितना ब्राइट है और बहुत अच्छे से चल रहा है इसमें। ये आप भी अपने घर में इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें, जो वेस्ट बॉटल है, मटके हैं, उनका यूज़ करके आप प्लांट्स लगा सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसमें, बहुत ज़्यादा। और ये प्लांट इस तरह के हैं दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप एक बार चेक कर लें मिट्टी को, अगर सूखी है ऊपरी लेयर उसकी तो आप उसमें पानी दें, क्योंकि ये अंदर रहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, आप हैंडमेड, आप घर में बना हुआ फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र है, वो आप अपने इन प्लांट्स में भी दे सकते हैं और फ्लावर्स वाले प्लांट्स में तो बहुत अच्छा रहता ही है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ अगर ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा एक छोटा सा मिनी जंगल ये मैंने तैयार किया, देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी ऐसे ही छोटे छोटे प्लांट्स ला करके आप अपने घर में अपने घर को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को। देखने में तो बहुत अच्छे लगते ही हैं, साथ में एयर को भी प्योरीफाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।